एक मिनट को मेरा पति कैसे चल रहा है। गाइस देखो मैडम मेरी तारीफ कर रही हैं और देखो खुद कैसे चल रही हैं। देखो अभी हम थोड़ा बाजार घूम रहे हैं रघुनाथ मंदिर के एकदम मतलब आगे पीछे स्ट्रीट शॉपिंग जैसा है, शॉप से बहुत सारा। दिस इज राजमा चावल बगर वाले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का क्या बोलो, ऑब्वियसली कल का व्लॉग से आपको पता चल गया है कि वी आर वेरी टायर्ड और पैर की हालत, सिर्फ पैर ही नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, आपको क्या बताऊँ। उस जगह का तो नाम भी नहीं बता सकती कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। तो सुबह सुबह हम उठ के ना पहले सुबह नहीं 8:30 अराउंड उठ के हमने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरा भी तबीयत थोड़ा मतलब ढीला लग रहा था। उनको तो कल रात को फीवर आया और मैंने डोलो दे दिया है, 100 के ऊपर फीवर था। सो नाउ ही इज़ ओके और मैं मतलब बहुत पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। तो इधर नीचे स्पा है, मसाज है, तो मैंने बुला लिया है, रिसेप्शन से कॉल आया है, तो अभी हम जाके मसाज कराएंगे, लेग मसाज कराएंगे। सो या लेट्स गो। एंड आज का बहुत सारा प्लान है, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज व्लॉग में बहुत कुछ और भी होने वाला है। मैं वापस आ गई हूँ बहुत देर पहले मसाज करके। मसाज वाज ओके ओके, पता है आप 20 मिनट्स के लिए फुल लेग मसाज था और उन्होंने चार्ज किया है 400 रुपीज़। दैट इज़ वे टू मच, लेकिन क्या कर कराना ही है और होटल के अंदर है ना, थोड़ा सा महंगा है और उतना भी मतलब ठीक है। अभी दर्द इतना है कि कोई भी थोड़ा सा पैर दबा दे अच्छा ही लगेगा। अभी हम लोगों ने नहा वहा लिया है, अभी हम चेकआउट करेंगे, सब कुछ पैक वैक हो गया है, चेकआउट करके हम जाएंगे कहीं और। कहाँ जाएंगे, स्टे ट्यून्ड। अच्छा तो गाइज अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है और हम लोग गप्पे इतना कर रहे थे कि हम लोग ब्लॉग करना भूल गए कि क्या खाया लंच में। लंच में बहुत होता है। हाँ तो अभी ये टाइम चलो हीरो बाय। क्या बोल रही थी, लिंक इट्स वेरी, बताओ क्या लिंक है। हाँ यूट्यूब चैनल। हाँ चैनल देखता है, इतना नाम तो बता दो चैनल का। कृष्णा रॉय मल्लिक, मेरा नाम पता है, रॉय मलिक। क्या ढूंढना है यूट्यूब पे, यस ये चैनल है। और अभी हम लोग निकल गए हैं कार पे जम्मू की तरफ। हम लोग बोल रहे थे कि कहाँ जाएंगे, तो अभी कटरा से हम वापस जा रहे हैं जम्मू। आज रात हम जम्मू पे ही रुकेंगे और जम्मू पे इवनिंग को थोड़ा सा प्लान है, क्या प्लान है वो भी हम देखते हैं। हाँ। क्योंकि क्या है ना अभी चढ़ाई, हाँ बारिश भी हो रहा है, चढ़ाई करके पैर की हालत भी थोड़ा सा खराब है, चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन यू नो मी, ठीक है। तो देखते हैं उधर जाके क्या सिचुएशन है, सब मिलके फिर नेक्स्ट आपको व्लॉग में तो पता ही चलेगा। एक और चीज़ जो इस ट्रिप में बहुत स्पेशल था, दैट वॉज फ्रेंडशिप। जो फ्रेंड्स थे हमारे साथ, इनका एक्चुअली वो इनका कॉलेज फ्रेंड्स है और उसके बाद साथ में नौकरी भी की है, तो इनका मतलब बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है। मतलब उनका नाम से इनका दिल ऐसा है ना, क्या बोलते हैं, बोली नहीं है ना, बुजम फ्रेंड जैसा है, बहुत ही अच्छा वाला फ्रेंड है। बहुत सालों के बाद ये लोग मिले हैं और शादी के बाद तो मैं तो इन लोगों से पहली बार मिली हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पहली बार मिली हूँ, क्योंकि इतना फ़ोन पे बात होता है इन दोनों का और मैं सुनती रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, ये सब तो इतना होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा पहली बार। उनकी वाइफ से मैं पहली बार मिली हूँ, लेकिन इतना अच्छे से बात हो गई, बॉन्डिंग हो गई, तो बिल्कुल दोस्ती वाला। हम दोनों सेम एज पे हैं और हम ऐसे बातें कर रहे थे आज, तो थोड़ा टाइम मिला है ना, बैठ के टाइम मिला है बातें करने के लिए, ऐसे मतलब हमने बातें की कैसे टाइम निकल गया। हमारा एक्चुअली प्लान था कि शायद हम 2-2:30 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन बहुत लेट हुआ निकलते निकलते और बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। और उनकी बेटी, ओ गॉड, आना शी सो क्यूट, ऐसे लगता है कि मैं खा ही जाऊँ, इतना क्यूट है, बहुत अच्छा लगा। मतलब हाँ जल्दी मिलेंगे है ना, कुछ और प्लान करते हैं।
हालत तो पूरी ऐसी लग रही है कहाँ से मैं आई हूँ, बहुत ही मतलब टायर्ड वाला फेस है। लेकिन हम जो होटल पे चेक इन किया है दैट लुक्स क्वाइट अमेजिंग। मैं धीरे बोल रही हूँ लेकिन इन लोगों को सुनाई नहीं देना चाहिए ना। ये बहुत अच्छा है, हम बस एक ही रात के लिए लिया है। 5 स्टार आई थिंक इट्स 4 स्टार हाँ, अभी तक तो रूम तक हम नहीं गए हैं, रूम तक पहुँचते हैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बेबी बेबी आ जाओ, अभी रूम अभी तक हमारा अलोकेट नहीं किया है, वेट करते हैं। चलने को नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे मतलब क्या बोलते हैं पेशेंट की तरह, जैसे चल रहे कोई ऑपरेशन हुआ होगा, ऑपरेशन के बाद कुछ यू नो ऐसे ऐसे होने के बाद लोग चल नहीं पाते, वैसा वाला फीलिंग है हम लोगों का चलने के मामले में। शक्ल देखो। सो वी हैव कम टू द होटल रूम नाउ एंड लेट्स एंटर। तो ये डोर है, एंटर करते ही आपको मैं अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो एंटर करते ही इग्नोर माई हस्बैंड। सो दिस साइड है वॉशरूम, वॉशरूम कैसा है, छोटा सा है लेकिन या ओके नाइस एंड क्लीन। और इस साइड पे है कबर्ड, कबर्ड के अंदर वाओ आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड भी है तो आप आयरन कर सकते हो। लगेज स्टेशन, पेंटिंग, इधर टी कॉफ़ी स्टेशन, फ्रिज है और एक टीवी है, नाइस एंड ब्यूटीफुल लुकिंग बेड है। बेबी हेडबोर्ड अच्छा है ये वाला। हाँ, एक सोफ़ा और एक वर्क स्टेशन, और ये है विंडो, आई थिंक व्यू ऐसा कुछ नहीं है, ये जम्मू सिटी है ऐसा कुछ व्यू नहीं मिलेगा। पीछे दूर पहाड़ दिख रहा है और ये है मेरा पति। एक्चुअली जम्मू के लिए हम इसलिए रखा है, एक तो कल हमारा फ्लाइट है लौटने का बेंगलोर का, तो पास में ही एयरपोर्ट है, कोई लॉन्ग ट्रेवल का झंझट नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी आप यू नो अगर कुछ हो गया, लैंडस्लाइड, कुछ फ्लड, हेवी रेन, तो यू मे मिस योर फ्लाइट। तो हम लोग एयरपोर्ट के पास ही रुके। और नंबर टू, जम्मू में अगर कुछ शॉपिंग करने को मिला, क्योंकि कटरा इज़ वे फार देन जम्मू एंड कश्मीर, वो पूरा एक हिल एरिया पे है और उधर शॉपिंग का वो मतलब बाहर से ही आएगा। इवन जम्मू में भी पता नहीं कितना कुछ मिलेगा या नहीं, आई एम नॉट सो स्पेसिफिक अबाउट शॉपिंग, देखते अगर मुझे लगेगा कि यार ये इधर ही मिलता है, बाहर कहीं पे नहीं मिलता है, तो मैं कुछ खरीदूंगी या तो नहीं खरीदूंगी। बस मुझे लोकल चीज़ें देखना है, लोकल खरीदना है जो हमें बाहर नहीं मिलता है। वैसे आजकल ये ऐसा हुआ है कि सब कुछ हर जगह पे मिलता है, उधर पे भी कश्मीरी शॉल वगैरह, वो कश्मीरी चिकन, वो जो एम्ब्रॉयडरी होता है ना उधर भी मिलता है, लेकिन देखते हैं थोड़ा। लेकिन बेबी जाएंगे कैसे, बेबी पैर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहे पैर, नहीं चल, पैर नहीं चल रहे, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। बेबी सो जाते हैं और फिर उठते हैं, डिनर करेंगे फिर सो जाएंगे। डिनर के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा, रूम सर्विस कॉल कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन रूम सर्विस कॉल कर सकते हैं, लेकिन यार आज ही आए हैं तो थोड़ा घूम के जाते हैं, इतना खर्चा करके इतना कुछ करके आए हैं तो थोड़ा घूम के ही चलते, जैसे भी चले चले। हाँ थोड़ी देर में चल लेते हैं कुछ। ये है लॉबी जहाँ पे रूम्स पे जाना होता है, ये जगह भी कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। There is our room. और अभी हम लोग जा रहे हैं for shopping, मैडम का favorite है और मेरे पैसे खर्चा होने वाला है, भगवान कुछ अच्छा ना मिले इसको। क्या शैतान। हाँ अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं लोकल मार्केट पे हम जाएंगे, क्या क्या मिलता है, कुछ पसंद आता भी है या नहीं। बेबी लिफ्ट कहाँ पे है, मिल गया। And this is the hotel from outside. काफ़ी अच्छा है। और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, ये एक्चुअली हरी मार्केट है, तो हरी मार्केट में काफ़ी कुछ मिलता है और पूरा मेन रोड जो बाज़ार है ना उसके पास ही है ये होटल, इसीलिए हमने लिया है क्योंकि एक मिनट देखो मेरा पति कैसे चल रहा है। Ha 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 ha
हम ऐसे ही चल रहे हैं, चलने को नहीं हो रहा है, फिर भी हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए। गाइस देखो मैडम मेरी तारीफ कर रही हैं और देखो खुद कैसे चल रही हैं। देखो ऐसे स्पीड में जाना है ठीक है, इससे जोर से तो हम नहीं चल सकते। तो दिस इज द गवर्नमेंट एम्पोरियम, क्राफ्ट एम्पोरियम, तो देखते हैं क्या मिलता है घर। तो हमने देख लिया है, अंदर है तो काफ़ी कलेक्शन बहुत है, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं था ऑब्वियसली। तो एक्चुअल पश्मीना जो है शाल कैसा होता है हमने देखा है, डिफरेंस क्या है ये भी पता चला कि पश्मीना शाल में जो भेड़ होता है उसका जो ऊल बनता है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहता है वो सब भेड़िया, इसलिए उनका जो ऊल बनता है उसका क्वालिटी बहुत डिफरेंट होता है और सिमिलर टू एकदम पश्मीना जैसा भी, यू नो जो पश्मीना नहीं है ऐसा भी चादर बनता है, दिखने में आपको मतलब फ़र्क 19-20 का है तो, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, लाइक 24,000 इज़ द स्टार्टिंग रेंज और वही बहुत महंगा है एक्चुअल पश्मीना। और जो यहाँ पर जो एकदम प्लेन वाला जो ऊल से एकदम प्लेन शॉल जो वाइट कलर का, जिस कलर का उनका वो क्रीम कलर का जिनका वो ऊल होता है ना, हाँ वो क्या होता है फर होता है, फर होता है जो क्रीम कलर का फर होता है उसका बना हुआ वो 12,000 रुपए का है। अगर जो 24,000 वाले में उसमें कलर्स हैं और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, उस तरह का पश्मीना अगर आपको चाहिए एम्ब्रॉयडरी किया हुआ तो देन यू नीड टू स्पेंड 24,000। और बाकी का मुझे इतना मतलब नहीं लगा लेने वाला क्योंकि वो बाहर पे भी मिलता है तो इसीलिए मुझे पता है कि मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो मिलेगा वो बहुत महंगा है तो देखते हैं। और ऐसे घूमते हैं मार्केट, मार्केट घूमना तो बहुत अच्छा लगता है। ये है फेमस रघुनाथ टेम्पल, इसके अंदर अभी हम जाएंगे। दिस इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल और ह्यूज, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका बैग देखो गाइस, यू नो शाम का कितना सुंदर गाइस लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वायलेट लग रहा है ना पूरा। ये है हनुमान जी का और अंदर है राम जी का टेम्पल और इधर माता वैष्णो देवी जी का भी टेम्पल है, मैं मूर्ति नहीं दिखा रही हूँ। और इधर आप जो देख रहे हो ना बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे मुनि ऋषि और देव देवियों का छोटा छोटा ऐसे टेम्पल करके लिखा हुआ है तो विच इज़ रियली अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। इधर आके ना एक अलग सा शांति जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान के बीच में हो क्योंकि चारों तरफ सबका देखो ये गजदेव जी सबका ऐसा किया हुआ है, अगस्त मुनि विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा जी का 3-4 रूप ऐसे करके बहुत है देखने के लिए, इधर टेम्पल इज़ वेरी नाइस। अभी हम थोड़ा बाजार घूम रहे हैं रघुनाथ मंदिर के एकदम मतलब आगे पीछे पूरा क्या बोलते हैं स्ट्रीट शॉपिंग जैसा है, शॉप से बहुत सारा तो आप देख ही सकते हो पीछे ये सब शॉल वगैरह ये सब मिल रहा है तो देख रहे हैं हम क्या खरीदे है कुछ माइंड में, उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, पहले वो मिल जाए उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अभी हम शॉल के लिए देख रहे हैं तो शॉल स्टॉल वगैरह तो देखो क्या कैसे लेना है करके, तो ये हमें दिखा रहे हैं बहुत तरह की स्टॉल्स है एक्चुअली और प्राइस ओके देखते हैं अभी। तो अंकल ने ये सब सजा के रखा है स्टॉल्स, ये लद्दाख का डिज़ाइन है, ये लद्दाख का जो ट्रेडिशनल आपने देखा होगा। हाँ 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 ऐसा होता है, ये ऊल नहीं है ना, सो दिस इज ऊल और उसको क्या बोलते हैं फिर सिल्क, मोगरा सिल्क, ये मोगरा सिल्क है। इधर से हमने लिया है 3 स्टॉल, शॉल बहुत महंगा हो रहा था और शॉल लेने का इतना मन भी नहीं था, हमने 3 स्टॉल ले लिया। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग एक जगह पे, ऑटो में बैठकर, वो जगह कौन सी है जाके बताती हूँ। सो दिस इज राजमा चावल बग्गर वाले, इधर से हम ले रहे हैं राजमा चावल, पैक करा के लेके जाएंगे।
वो देखो मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा और दे दीजिए, चम्मच है क्या? चम्मच दिया है। ठीक है, चलो नहीं 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 पैकेट में। ओके, सो नाउ वी आर बैक टू होटल। और अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि बीच में हमने क्या दिखाया। बीच में हमने दिखाया है कि एक शॉप है जिसका नाम है राजमा चावल बर्गर वाले। वो बहुत फेमस है, जहाँ पे ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन राजमा चावल मिलता है। और हमने लोकल से पूछा है कि इधर लोकल वाला राजमा चावल कहाँ पे मिलेगा, तो सब ने बोला है एक ही नाम, राजमा चावल बर्गर वाले, उधर से लीजिए। एक्चुअली बर्गर इज अ विलेज और प्लेस जहाँ के, हाँ जहाँ के लोग हैं वो, तो बगर वाले ऐसे बोलते हैं राजमा चावल ऑथेंटिक मिलेगा। तो उधर वो आपने देखा है बहुत छोटा सा वो शॉप है, तो हमने सोचा कि ठीक है पैक करवा लेते हैं, होटल में आके आराम से खाएंगे। सो लेट्स ओपन दिस एंड टेस्ट इट। ये है पनीर वाले, और इसके ऊपर हमने घी भी ऐड करवाया है। सो ये हाफ प्लेट है बाय द वे। उन्होंने बोला है कि आप दो लोग खाएंगे तो हाफ हाफ लीजिए, तो हाफ प्लेट इज लाइक सो मच। अच्छा है बेबी, घी का फ्लेवर भी आ रहा है। क्या अच्छा है, मतलब घर का वाला राजमा चावल, राजमा वाला फील आएगा। और घी का, घी का फ्लेवर भी अच्छा रहेगा, घी दिया है। और राजमा जो राजमा चावल होते हैं बेबी, तो अब ऐसा कोई राजमा की जगह पे आपको पनीर का स्वाद तो आएगा नहीं, या किसी और का स्वाद ठीक है। तो फिर मैं अभी खाती हूँ। इसमें थोड़ा सा खट्टापन है जो हमारे घर में हम ऐड नहीं, थोड़ा सा खट्टापन है, शायद ज्यादा टमाटर या फिर थोड़ा सा नींबू ऐड करते हैं, बट हाँ इट्स गुड, लाइक होम कुक्ड वाला। ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग। जो अभी हम घूम के आए हैं वो है इस होटल का डिनर या लंच करने का जो जगह है, रेस्टोरेंट, दैट इज़ रियली अमेजिंग। ये रिवॉल्विंग है और पूरा मतलब ऐसे घूमता है, गोल वाला रेस्टोरेंट है। और अभी हम गए थे देखने के लिए और पूरा फुल है। आप देख ही सकते हो कि ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है पूरा फुल है, और इसका खाना बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए हमें पता चला है क्योंकि हम जब लिफ्ट में आ रहे थे तब एक ओल्ड पर्सन बोल रहे थे कि हम तो हर हफ्ते आते हैं, इधर का खाना बहुत अच्छा है, नॉन वेज इज़ वेरी नाइस, द बेवरेजेस आर वेरी नाइस, फूड आर वेरी नाइस, एंड दैट इज़ अ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, बाहर से भी पूरा गोल ऐसा दिखता है। एंड जब हमने रेस्टोरेंट में जाके पूछा है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट योर रेस्टोरेंट, ऐसे ही पूछ लिया मेरे पति ने, तो बोल रहा था कि या दिस इज़ अ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। उसके साथ साथ जो व्यू होता है वो भी बहुत अच्छा है। लंच टाइम पे अगर आप आओगे तो पूरा जम्मू सिटी का व्यू आपको मिलेगा, 360 व्यू। सो या वो भी अच्छा था। अगर हमें पहले पता चलता कि हमने इतना अच्छा होटल बुक किया है तो शायद हम डिनर उधर ही कर लेते, लेकिन राजमा चावल लेके आए थे इसलिए हमने डिनर नहीं कर पाए, बट इट्स ओके, वैसे भी हम बहुत टायर्ड थे। तो या यही था। और शॉपिंग के बारे में मैं यही बताती हूँ कि मैंने वही 3 स्टॉल लिया है, जो आई थिंक ये मतलब दूसरे जगह पे भी मिल जाएगा। अभी तो क्या है ना, कोई हर जगह पे हर चीज़ मिलता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा सही रेट पे मिल रहा है तो ले लेते हैं। एक तो रहेगा कि हम जम्मू गए थे, कुछ लेके आए थे, ऐसे सुबेनियर काइंड ऑफ कुछ तो रहेगा हमारे पास, करके मैं लेके आई हूँ। और मेरे मदर इन लॉ के लिए भी लेके आई हूँ, तो वो हम भेज देंगे, मम्मी को जो पसंद आएगी वो ले लेगी। और बाकी जो हम देख रहे थे एक्चुअली वो थोड़ा सा वो हैंडक्राफ्ट क्रॉकरी सेट वो हमें नहीं मिला है। एंड जो पेपर का जो कुछ आइटम होता है ना, पेपर मर्श बोलते हैं उसको, वो हमने देखा है, वो जो कर्नाटका जो गवर्नमेंट एम्पोरियम है उधर भी हमने देखा है, बट इट इज़ लाइक ठीक है, मुझे उतना भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा, बट इट इज़ गुड। बट अब मतलब घर पे शोपीस के जगह पे ऐसे रख सकते हो, बट ठीक है, मुझे लेने का इतना मन नहीं हुआ।
या और शॉल जो है पश्मीना का तो मैंने बहुत जगह पे देखा है एंड दे आर सो कॉस्टली. और लाइक ठीक है, हम शॉल यूज़ भी नहीं करते हैं, कितना यूज़ करते हैं शॉल, तो इसलिए लगा कि यार इतना पैसा खर्चने का नहीं बनता है. यही था आज का हमारा जम्मू. बहुत मतलब लंगड़ाते कैसे भी करके हमने जम्मू सिटी थोड़ा बहुत हमने जम्मू सिटी थोड़ा घुमा है और बहुत ही अच्छा लगा है. आई होप थोड़ा और टाइम मिल जाता, लेकिन कोई ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे, J&K बोथ हम कवर करेंगे. एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. कल हम जाएंगे बेंगलोर के लिए, हमारा फ्लाइट है 12 बजे की. सो या अभी आई थिंक मैं इधर ही एंड करती हूँ आज का वीडियो. और प्लीज़ गिव लॉट्स ऑफ लव टू आवर व्लॉग्स. अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.